वो गणेश है। एक पूरा परिवार पे फैमिली पे के लिंक अप 2004 में दिखाई दिए हैं। 2004 में ओ काटने वाले को हाँ, यहाँ में पेड़ था, पेड़ से ढके हुए थे हाँ, पेड़ काटा है, पेड़ इसमें लगे तो उल्टा गिर गया, बाला जैसा दिखाई दे रहा सबसे पहले हाँ, नीचे उतर के थोड़ा दिन में सफाई किया तो ये गणेश हाँ, ये सब पत्थर सब साथ में था हाँ, सब नेचुरल है, यहाँ का कोई बनाया हुआ नहीं है हाँ। ये गणेश जी हो गए और ये पानी नीचे से गंगा जल निकलते रहता है, देखिए ओ ये पानी निकलते रहते हैं, नेचुरल होली वाटर है, पानी निकल रहा है ना, निकलता है शिवलिंग के नीचे से, गंगा मानते हैं। अच्छा, नंदी है, गणेश है, गंगा है, शिव है, कार्तिक पीछे में पार्वती हाँ। और ये माला जो है बासुकी नाग का माला है ओ, तो शिव पुराण में भी इनका मतलब उल्लेख है, वर्णन है कि संसार का सबसे बड़ा लिंग होगा, आगे जाके इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा और इस स्थान पर जो भी प्राणी दर्शन करने से उनका मनोकामना पूरा होगा, शिव महापुराण में इनका वर्णन है। तो काफ़ी लोग आते हैं 2004 से पूजा पाठ कर रहे हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं उनको पूरा होता है। अच्छा जी, ये पानी तो लोग बहुत ले जाते होंगे, बहुत लोग ले जाते हैं ये, इसको मतलब ब्लेसिंग घर में फेंकने के लिए कम आएगा ना, के लिए थोड़ी बता रही है, होली वाटर है समझ गया था। हम परशुराम कुंड गए थे, उसमें परशुराम में भी गए थे मैं। अच्छा, परशुराम कुंड में भी जो उधर में भी जो एक झरना गिरता है ना पानी हाँ। वहाँ से हम लोग बहुत ढेर सारा पानी लेके आए थे, तो यहाँ पे भी पानी है, तो मैं परशुराम भी गया था, वो जो कि नामसाई तरफ तेजू में है, तेजू में मिल जाएगा, और जीरो में आने से आपको शिवलिंग मिल जाएंगे, ये शिव का एक बड़ा सा पत्थर जो कि अभी बाबा पंडित ने बताया कि ये इस तरह है। 2004 में इसका फर्स्ट देखा गया था ये पत्थर को, जब एक आदमी जो पत्थर लकड़ी काट रहा था, तो लकड़ी काटते वक्त तब ये बड़ा सा पत्थर को दिखाई दिया, और ये सब साथ में था मतलब ये सब, और ये पानी भी यहाँ से ही निकल रहा है। पंडित जी, ये चटा सा पत्थर है, ये कौन है? वो भृंगी है, भृंगी, भृंगी, भृंगी शिव जी का घर में ही आता है। अच्छा, नंदी आगे होगा, भृंगी होगा, गणेश जी आ गया है, कार्तिक जी यहाँ हैं और बगल में माँ पार्वती है। ये बासुकी नाग है, बासुकी नाग शिव जी का जो गला में जो है ना, ये इधर का फन फन है, ये पहले से ऐसा था ना इसमें? हाँ, पहले से इससे है, देखिए ऊपर फन भी है, ऊपर में देखिए यहाँ से सांप का माथा ऐसे लटका हुआ है, रस्सी जैसा लपेट के ना ऐसे झुका हुआ है शिवलिंग के ऊपर से। हाँ जी, और ये है गाय माता, नंदी, नंदी नंदी बोलते हैं क्या, नंदी बोलते हैं ना। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ में पंडित जी ने क्या कहा कि 2004 में स्टेब्लिश हुआ है, और किस तरह से इसको शिवलिंग पूरा ये जो पत्थर रोक सब एक साथ था, तो अभी 20 साल हो गए ऑलमोस्ट, काफ़ी पुराना हो गया इसका, अभी तक ये छठ के लिए हमें जो अभी ये दिया गया है अभी तक वही है, और यहाँ पे कुछ अभी तक है ही नहीं, तो इसको अभी अच्छा से बनाने के लिए मेरा दोस्त तचंग बाद में इसको इसका प्रोजेक्ट यही लिया, ये एक आर्किटेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट को बाद में इसको ये पूरा हमको डिजाइन बताया, ये ऐसे ऐसा होगा, ये शिवलिंग को अच्छा से बनाएगा बाद में, तो अभी तक तो यही है, बाद में ये शिवलिंग और सुंदर हो जाएगा, बाद में ये डिज़ाइन हमको दिखाया था उसका प्रोजेक्ट जो मेरा दोस्त संभाल रहा है। तो अभी हम जाएगा गाइस, शिवलिंग भी देख लिया, ये मेरा फर्स्ट विजिट था शिवलिंग पे, तो अभी जाएंगे हम घर। हमने इसके लिए एक बना के देखे हैं मंदिर के लिए डिजाइन, एक बना के देखे हैं। अच्छा, अब एक बार क्या मंदिर के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से ठीक है ना, अच्छा होगा, अब बता मुझे बताइए ठीक है। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, कितना 9 बज गए, पार हो गया होगा अभी, तुम जाना पड़ेगा, मम्मी का भी कॉल आ गया, कहाँ सा जंगल में बोल रहा था। डोनेटेड बाय अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक नाहरलगन, चेयरमैन डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता, डोनेशन दिया गया था, ये पानी है ना, पानी प्यास से आधा मरा हो गया था।